ये मैम तो बहुत मारी हुई बचपन में बहुत नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो मतलब वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसके ऊपर बनाने के लिए मैंने इसको इसलिए इतना साइड रखा था, इतना डिले अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज इससे मेरा इस वीडियो से बहुत सारा याद सब जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली 26 जनवरी का वीडियो है, आज है लगभग 2 फरवरी, ठीक ना, 2 फरवरी आज रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो एट द टाइम ऑफ 2 फरवरी। तो आज का ये कहानी है ना, मतलब मैंने जानबूझ के इस वीडियो को साइड रखा था, आप लोग को मतलब दिल से सॉरी है कि मैं 26 जनवरी का वीडियो इतना डिले मतलब शूट कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक ना। तो बताते हैं बात क्या, तो एक्चुअली मेरा पब्लिक स्कूल है ना मेरा इसीलिए क्योंकि उसमें मैंने 10 साल दिया है, 2008 से लेकर के 2020 में पास आउट हुआ था मैं उस स्कूल से, CBSE बोर्ड। तो यही कहेंगे कि पब्लिक स्कूल से बहुत सारा याद जुड़ा हुआ है, लाइक बचपन में ना, पहले आप याद तो जरूर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जो है ना ये कुछ क्लिप हम रिकॉर्ड किए थे स्कूल का 26 जनवरी के दिन, तो पहले आप क्लिप देख लीजिए फिर बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का गणतंत्र दिवस कंप्लीट हुआ और हम लोग के 10th क्लास के क्लास टीचर हैं सर। हेलो सर। हाय दोस्त, ये एक्चुअली हम लोग SSC के टीचर हो गए और यहाँ पे सामने स्टाफ रूम है सर, सबसे हमको मीट करवा दिया, आपको मीट करवा दिए, सारी टीचर को मीट भी दिखाना चाहते हैं। हिंदी वाली टीचर वो नहीं, हिंदी वाली एक्चुअली वो टीचर है जो कि कभी क्लास में आती थी पहले, अभिषेक कौन है, अभिषेक बहुत हल्ला करता वही मैम है। और मैम आपका नाम भूल रहे हैं, मैम आपका नाम भूल रहे हैं, ज्योति मैम और मैम हाय कल्पना मैम, ये मैम तो बहुत मारी हुई बचपन में बहुत और वो मैम का नाम भी हम भूल रहे हैं, मैम जूनियर क्लास के नाम नाम योर सेल्फ क्या मैम, एवरी टीचर जितनी मैम हाय सब आदि यस यास्मीन मैम, मैम मैम तो ऐसे क्लास में बहुत कम आती थी, कभी कभी पीरियड में आती थी, बट मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो ये हमारा मतलब स्कूल का हो गया, लाइक सभी टीचर्स हैं यहाँ पे स्टाफ रूम, फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे प्रतिभा मैम, और ये प्रतिभा मैम है, क्या कहते हैं इनका बोलने का बिहेव और नेचर बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा और ये यहाँ पे दीदी सब हो गई मतलब लाइक स्कूल का जितना भी मेंटेनेंस है ये लोग करती हैं। वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं फीस सब करता है ना मैम, काउंटर हो गया, रिसेप्शन हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस का प्रिंसिपल चेंबर और ई हो गया सुनीता दीदी, तो बचपन से हमको पाली हुई वन क्लास से इवन नहीं है। अरे बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा है ये एक्चुअली, हमको बचपन से जो है ना वसी पाली वन क्लास से लेकर के 1 to 10 इसी स्कूल में, दीदी के सामने हम मतलब बच्चा से बड़े हुए, मतलब अभी जो हाइट है यही बोलेंगे दीदी बहुत अच्छी है। तो ये था कुछ हम लोग का स्कूल का ब्लॉग, दोस्तों ये था कुछ क्लिप सब, लाइक कल्पना मैम संस्कृत की और हिंदी दोनों की टीचर थी, मतलब जब जूनियर क्लास में थे ना और सीनियर में संस्कृत पढ़ाती थी, बट जूनियर में दोनों मैनेज कर लेती थी मैम उम्मीद है मैम तक ये वीडियो जा रहा होगा। तो मैम जो है ना एक्चुअली मैम से बहुत मार खाया क्योंकि होमवर्क हम बना करके नहीं ले जाते थे, हमको जो है संस्कृत में आज तक इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब संस्कृत जो है अजीब साल का, इसलिए 9th-10th में जो हम डायरेक्टली हिंदी लिए, हिंदी में स्विच किए, ठीक है। और देन हिंदी में 9th-10th का बात बताते हैं आपको, कविता मैम जो है ना, कविता मैम क्लास में आती थी लाइक अभिषेक कौन है यहाँ पे, अभिषेक तुम बाहर जाओ तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे लाइक मतलब जो है ना सब टीचर सब जो है ना मतलब एक मोमेंट एक याद था, मतलब हमको आज भी वो दिन याद है जब मम्मी और पापा दोनों हमको स्कूल के गेट तक छोड़ने के लिए थे, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में बात कर रहा हूँ, तो हम बहुत रोए थे कि नहीं मम्मी का हमको साथ नहीं छोड़ना, मतलब जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए सब कुछ तो उसकी पूरा दुनिया उसके माँ और पापा दोनों होते हैं ना, तो लाइक हम मम्मी को अपना छोड़ना नहीं चाहते तो उनका उंगली पकड़े होते नहीं मम्मी नहीं जाना है। देन मनमोहन सर हमको आज भी याद है, मनमोहन सर जो है उन्होंने मतलब पकड़ा था गोदी में उठा कर ले गए थे और ले बउआ चलो ना ऐसे करके ले गए थे, उस दिन बहुत रोए थे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब ऐसे थे मतलब थोड़ा दिन आदत पड़ गया ना कि मतलब एक माइंड सेट हो गया कि नहीं भाई अब स्कूल तो जाना ही है, इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मतलब बचपन में। और दिन लास्ट डे का बात बताते हैं, उस समय स्कूल को छोड़ रहे थे तब रोना आ रहा था, लाइक यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे क्लास 1 से लेकर के 10th तक, करण साथी रहा स्ट्रगल में, मतलब स्ट्रगल नहीं मतलब इस सफर में साथ रहा है, 1 to 10 हम लोग साथ ही कंप्लीट किए थे, देन ये भी था दीपक भी था साथ में, तो यही कहेंगे कि यार एक मोमेंट जो है ना एक मोमेंट वो बना हुआ था। और उसका और उसी स्कूल का कुछ दोस्त सब है लाइक
दिव्यांशु को रख लीजिए, रोहन को रख लीजिए, और सुभाष हो गया, करण हो गया, और भी बहुत सारे दोस्त सब है जो कि उसी स्कूल के सफर में हमको मिला एज अ बेस्ट फ्रेंड। मतलब ऐसे नाम के लिए तो बहुत सारे दोस्त सब है, बट एज अ बेस्ट फ्रेंड कि जब कॉल करो भाई मतलब प्रॉब्लम आ गया, भाई भाई तू कहाँ है डायरेक्टली, इनका ये जो बताएं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ दो, पहले आप हो कहाँ ये बताओ पहले उसको, और देन वो पहले वहाँ आएगा, देन मतलब आपके लिए हमेशा वो हाजिर रहेगा वो बंदा। ऐसे दोस्त हमको मिला, लाइक आर्यन को देख लीजिए, जैसे वीडियो हम बना रहे हैं ना, वो बंदा ऐसा है ना कि इस वीडियो को वो चला करके छोड़ देता है भले उसको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। मतलब मैं एज अ मतलब फ्रेंड बता रहा हूँ आपको कि आर्यन ऐसा बंदा है ना कि वो मेरे लिए बोलता है क्या कि हम बोलते हैं भाई ऐसा क्यों करता है, नहीं पसंद आता मत देख, तेरा मतलब ओपिनियन तेरा पर्सनल लाइफ है मत देख, मतलब नहीं भाई ऐसे कैसे, मतलब फ्रेंड का वीडियो तुम्हारा वॉच टाइम बढ़ेगा हम देखेंगे, और चला करके वो बंदा छोड़ देता है। एक बार एक पटना वाला ब्लॉग था ना, एक बार आप देख लीजिएगा ब्लॉग में, तो मैंने एक मीम्स ऐड किया था, तो उसने मुझे बताया था कि भाई हम तेरा फोन दो मिनट टेबल पर रखे थे और उसमें जो मीम्स तूने ऐड किया था ना, हम गए थे थोड़ा सा पानी पीने के लिए, तब तक मम्मी वो मीम्स सुन लिया, बहुत डांट पड़ा था उसको। भाई आर्यन तेरे लिए दिल से सॉरी, ठीक ना, ज़्यादा बुरा मत मानना। तो यही बोलेंगे। और स्कूल की यादें यार अजीब सी था, मतलब सफ़र हमको नहीं लगता है, मतलब जैसे लगता है कल की बात है, हम कल से स्कूल जाना शुरू किए थे, आज ये सफ़र खत्म हो गया। लाइक जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तो लगता है भाई सफ़र कब खत्म होगा, कब होगा यार, एक बोरिंग सा लगता रहता है। लाइक जब ये सफ़र खत्म हो जाता है ना, तो बहुत याद आता है कि वो भी क्या दिन थे। मतलब हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते थे, जैसे कि सर बाथरूम जा रहे हैं, तो सर ने बोला ठीक है जाओ, सर ने भेज दिया 5 मिनट में आना, तुम 5 मिनट में आना। अब जब बच्चे थे, अरे सर ने 5 मिनट बोला, फिर क्लास में घुसने नहीं देंगे, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। वही सीनियर क्लास होते गए, पूरा क्लास मतलब फर्स्ट पीरियड में निकले और लास्ट पीरियड में एंटर होता था हम लोगों का, कि भाई बाकी का पीरियड पूरा बाहर गया ग्राउंड में। कभी कभी प्रिंसिपल सर देख लेते थे, क्या कर रहे हो तुम पीछे, यहाँ जाओ क्लास में जाओ जाओ पढ़ो जाके, कभी कभी मतलब डांट सुन देते थे, बट मैक्सिमम टाइम ये होता था कि दो सबके साथ मस्ती करने निकल जाते थे। और हमको कोई दिक्कत नहीं ये सब कैमरा के सामने बोलने में, कुछ रिश्तेदार भी सुनेंगे तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि हमको पता है हम कैसे डील किए हैं लाइफ के साथ, हमको मालूम हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सामने वाला कुछ बोलता भी है, तुम तो ऐसे थे वैसे थे, घंटा नहीं कोई फर्क पड़ता हमको, मेरा नेचर यही है। हम एज अ फ्रेंडली आप सबसे बात कर रहे हैं कि मतलब मैंने क्या क्या किया, और कभी आराम से बात करेंगे इसके बारे में। अभी तो 26 जनवरी का टाइम था, उस समय मैम सब थी मिल करके अच्छा लगा, सब मैम से प्रिंसिपल सर से भी मिल के अच्छा लगा, सैलिस सर हमारे प्रिंसिपल सर है, बट सबसे पहले जो प्रिंसिपल थी ना, तो वो थी प्रभा मल्लिक ऐसे समथिंग उनका कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, क्लास वन में थे तब वो प्रिंसिपल मैम थी, और आज तक हमको सबसे बेस्ट लगा, मतलब बेस्ट मैम लगी, बेस्ट यानी कि मतलब बहुत अच्छी, बहुत मतलब एज अ फ्रेंड नहीं बन जाती, कुछ मैम बहुत अच्छी लगती है। लाइक उसी टाइम में थी तलक मैम, वो तो मतलब उनका एज था लगभग 55 के आसपास, वो हमको अपने बेटा जैसा मानती थी। लाइक बचपन में हमको कोई प्रॉब्लम होता था ना, पर्सनली समझा करके बोलती थी, पर्सनली बुलाती थी, तो मतलब वो मैम हमको बहुत अच्छी लगती थी एज अ नेचर वाइज एज सब कुछ। तो मैम तक आई नो मतलब मैम तक वीडियो जा रहा है नहीं जा रहा है हमको मालूम नहीं है, बट अच्छी मैम थी। अब तो नहीं मिल पाते हैं लेकिन याद सब बहुत जुड़ा हुआ। लाइक जैसे पब्लिक स्कूल है ना, तो पहले 10 साल में काफ़ी कुछ बदल गया था उसमें, ठीक है। कभी आपसे आराम से बात करेंगे अपने स्कूल के बारे में, बस यही कहेंगे कि मेरा स्कूल का सफ़र बहुत अच्छा रहा यार, और ऊपर वाले ने मुझे मतलब ऐसे दोस्त सब दिए ना कि लाइक अभी भी अगर एक कॉल करूँ ना, जैसे सुभाष बगल में रहता है, घर के पास ही रहता है, और उसको भी बोलो भाई जल्दी आप प्रॉब्लम हो गया, तो दौड़ते दौड़ते बंदा चला आता है। सब मतलब ऊपर वाले ने हमको इतना तो दिया कि भाई बहुत अच्छा अच्छा फ्रेंड सब है। लाइक आर्यन को देख लीजिए, बंदा क्या बोलता है हमको, नहीं भाई तेरा वॉच टाइम बढ़ेगा इसलिए हम वीडियो देखेंगे, उस दिन समझ गया। अच्छा अच्छा सुभाष का एक बात बताते हैं, सुभाष का एक हम आदत बताते हैं आपको, उसने ना मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है हर किसी के मोबाइल में सब्सक्राइब कर दिया, मतलब लाइक उसके फैमिली में जो भैया हैं बहन हैं मतलब जो भी है ना सबको मैंने सब्सक्राइब कर दिया। मैंने मतलब जनरली बस जस्ट ऐसे पूछा सुभाष अपना मोबाइल देना जस्ट काम है हमको, मैंने सोचा कि मैं चेक करता हूँ उसको मैंने सब्सक्राइब या फिर नहीं, उसने सब्सक्राइब करके नहीं रखा। तो मैंने बोला भाई ये तूने क्या किया, मतलब सबसे सब्सक्राइब करवा दिया, तुमने खुद सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो अच्छा बात नहीं है। देन ही टोल्ड मी अरे तुम अभी से एक समझ नहीं रहे इसका बात, ये जब तुम्हारा 999,999 हो जाएगा ना तब सब्सक्राइब करेंगे, 1 मिलियन होगा ना तब तुमको बहुत खुशी होगा, इसी के लिए रखे हुए। हम बोले वाह क्या तुम दिमाग लगाए, आज सपोर्ट मत करना, जब 1 मिलियन हो जाएगा तब सपोर्ट करना। तो दोस्त अभी बहुत मतलब बदमाश सब है, ऐसा नहीं है बदमाश मतलब हेल्दी में उस टाइप का नहीं, ठीक है। तो यही कहेंगे कि ये सब कुछ याद समझ रहा है मेरे स्कूल के साथ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।